हेलो एवरी वन माई नेम इज़ कनिका वेलकम बैक टू स्पेडूकेशन सो आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सिखा सकते हैं हम अपने डेफ ब्लाइंड बच्चों को राइट right? तो हम बेसिक बेसिक थोड़ा सा जानेंगे डेफ ब्लाइंड क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ कैसे असेसमेंट किया जाता है हियरिंग का कैसे आपका विजन असेसमेंट किया जाता है ओके एंड बेसिकली दिस इज़ अ टॉपिक बेस्ड ऑन आर डी सिलेबस डिप्लोमा एंड स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस पे बेस्ड है ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है कम्पलीट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लेना ये टॉपिक टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टू डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट डेफ ब्लाइंडनेस क्या है बेसिकली है जब कोई भी पर्सन डेफ प्लस ब्लाइंड होता है राइट right? उसको हियरिंग इम्पेयमेंट है उसको सुनने में दिक्कत है एंड ब्लाइंडनेस है मतलब विजन प्रॉब्लम है कोई भी एक एम्पेयमेंट ज़्यादा एक कम हो सकती है दोनों बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं दोनों बहुत कम भी हो सकती हैं बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरह होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कम्युनिकेशन में उसकी एजुकेशनल नीड्स मीट करने में उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको आती हैं कैसे हम इनको कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं वो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जब हम एक्सचेंज करते हैं राइट right? मैंने आपको कुछ बताया आपने मुझे कुछ बताया इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई तो हमारा कम्युनिकेशन हुआ वन वे भी हो सकता है जैसे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूं और आप सुन रहे हो सो so, ये वन वे कम्युनिकेशन है बट आप मुझे रिस्पोंड भी कर सकते हो मुझे रिप्लाई कर सकते हो कमेंट्स में तो वो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन है सो so बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं मे बी सम नॉलेज या अपनी नीड्स के बारे में बता रहे हैं अपनी विशेष अपनी फीलिंग्स इट कुड बी एनी थिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे डेफ ब्लाइंड पर्सन है वो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं दिस कम्युनिकेशन मे टेक द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन वोकलाइजिंग यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल पॉइंटिंग टू पिक्चर्स और मोर फॉर्मल सिस्टम सिर्फ बोलकर या लिखकर ही हम कम्युनिकेट करें जरूरी नहीं है राइट right? हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट uh, करते हैं सिमिलरली वेन द इंडिविजुअल विद विजन और हियरिंग लॉस कम्युनिकेट वो भी बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जेस्चर्स के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू वोकलाइजिंग मतलब बोल के यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके या किसी पर्सन का यूज करके भी वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं यू you नो know? इशारा करके किसी की तरफ पॉइंटिंग टू पिक्चर्स कोई पिक्चर्स है उनकी तरफ पॉइंट करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑब्वियसली देर आर मोर फॉर्मल सिस्टम्स सो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्या होता है द मोस्ट फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन अ चाइल्ड बॉन्ड विद देयर केयर गिवर कम्युनिकेशन मीनिंगफुल कब होता है वेन यू कैन एक्चुअली फील इट ठीक है यहाँ पे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो अगर एक चाइल्ड का जो बॉन्ड है वो अपने केयर गिवर से बहुत स्ट्रांग होगा तो वो उनका कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगा और ये बेसिक एस्पेक्ट है आपके कम्युनिकेशन का राइट नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन हुआ डेफ ब्लाइंड बिगिन वेन द इमोशनल अटैचमेंट्स ऑफ यंग और डेवलपमेंटली यंग चिल्ड्रन बिगिन वेन दे शो प्रेफरेंसेज फॉर अ पर्टिकुलर फेमिलियर पर्सन ओके इमोशनल अटैचमेंट किसी भी बच्चे की कब शुरू होती है या कैसे आपको पता चलेगा जब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो उनसे फेमिलियर है ठीक है उसके लिए जब वो प्रेफरेंसेस शो करते हैं वैन दे प्रेफर दैट पर्टिकुलर पर्सन ओवर अदर पर्सन में भी या फिर ओवर अदर थिंग्स वो बाकी लोगों को छोड़ के उस पर्सन के पास रहना पसंद करते हैं उनकी बात मानते हैं उनकी बात सुनते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को छोड़ के वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं दैट शोज कि वो बच्चा जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन से इमोशनली अटैच्ड है राइट right? मे बी एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस जब वो यू you नो know, परेशान हैं या अपसेट हैं मे बी या दे आर इन नीड ऑफ समथिंग उनको हेल्प चाहिए तो वो जो उनके प्रेफर्ड पर्सन हैं उनके पसंद के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर पर्सन जो जिनसे वो ज़्यादा अटैच फील करता है बच्चा वो उनको प्रेफर करेगा इस टाइम पर और यही हमारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बनाता है वेन दर इज़ अ स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन टू पीपल तो कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होता है ज्यादा असरदार होता है कोई डेफ ब्लाइंड पर्सन है उसको हियरिंग लॉस भी है और उसको उसका विजन लॉस भी है सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट और अगर आप कम्युनिकेट कर भी लेते हो तो जरूरी नहीं है कि आप सही मतलब समझो उसकी बात का क्या पता वो आपसे कुछ और कहना चाह रहा है बट उसके एक्शन या उसके जेस्टर्स से आपने शायद कुछ अलग मतलब समझा राइट सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग वॉट वर्क्स क्या काम करता है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल बिहेवियर हैज अ कम्युनिकेटिव फंक्शन एंड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम सारे ही बिहेवियर्स का जो है कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है ये बात हमें समझनी है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स को समझनी है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट right? कोई भी बिहेवियर है उसको बेटर करने के लिए या उसको समझने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है ये एक बेसिक नीड है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके चिल्ड्रन हुआ डेफ ब्लाइंड शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड फ्रस्ट्रेशन विदाउट बींग जज्ड जो भी हमारा डेफ ब्लाइंड बच्चा है वो ऑलरेडी शायद काफी फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि उसकी बात कोई नहीं समझ पा रहा सो दे शुड हैव दैट फ्रीडम कि वो अपनी नीड्स अपनी फ्रस्ट्रेशन आराम से निकाल सके वो बता सके खुल के कि मुझे क्या चाहिए राइट विदाउट बींग जज्ड यू शुड नॉट बी हार्श यू शुड नॉट बी जजमेंटल की अरे ये कैसे चीज मांग रहा है अरे ये कैसे बिहेव कर रहा है यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट नो ही इज ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड डोंट जज बस उनकी बात सुनो और उसको समझने की कोशिश करो गिव देम दैट फ्रीडम ओके ना कम्युनिकेशन फेसिलिटेशन ईच चाइल्ड हु इज डेफ ब्लाइंड शुड बी प्रोवाइडेड अ कम्युनिकेशन फेसिलिटेटर कोई भी डेफ ब्लाइंड बच्चा जो है उनको एक कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर प्रोवाइड किया जाना चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एटलीस्ट तब तक तो जब तक वो अच्छे से कम्युनिकेट करना ना सीख जाए देन ट्रेनिंग सेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रेन हमारे बच्चों को ट्रेनिंग सेशन हमें देने हैं राइट right? ताकि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करना सीख जाए रिस्पॉन्स टाइम नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड या कोई भी अडल्ट हु इज डेफ ब्लाइंड उनको ये राइट right है कि वो कम्युनिकेट करें वो अपनी बात एक्सप्रेस करें उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए उनको ये फ्रीडम है यू शुड नॉट बी द वन जो उनको जज करे या किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए दे शुड फील लिसन टू कि हाँ हमें सुना जा रहा है एंड दे शुड बी गिवन एडिक्वेट टाइम टू रिस्पॉन्ड बिकॉज थिंग्स आर टेकिंग टाइम थोड़ा टाइम लग रहा है उनको चीजों को समझने में राइट right? सो so, उनको टाइम दो रिस्पॉन्ड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन को इनपुट जाएगा उनके ब्रेन में फिर वो उसको प्रोसेस करेंगे सो दे इट मे टेक सम टाइम क्योंकि ऑलरेडी चीजें काफी डिफरेंट हैं एंड अभी वो लर्निंग फेज में है राइट सो गिव देम ऑफ टाइम नाउ वेज टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन टच बिगनिंग होती है टच से जो हमारा टच सेंस है वहां से शुरू होता है हमारा कम्युनिकेशन सिखाने का प्रोसेस ओके एंड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर शेपिंग द चाइल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट वेन देर इज अ टच और आपके टवॉल्व हैं सो एक थोड़ा इंटीमेट बॉन्ड बन जाता है बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड एंड वो आपकी बात सुनते हैं आराम से यू नो एंड वेन यू पैट जब आप उनको आराम से पैट करते हो मे बी सहलाते हो ऐसे आराम से सो दे फील कनेक्टेड टू यू दे फील अटैच टू यू सो टच सेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देन बिहेवियर्स इसमें से कैसा भी बिहेवियर हो सकता है कोई फिजिकल मूवमेंट्स अलग अलग तरीके की साउंड में भी अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन या फिर आई गेज आई गेज आंखों से जैसे हम देखते हैं या अलग अलग इशारा करते हैं मे बी जैसे हम गुस्सा होते हैं तो हमारी आंखों में दिखता है राइट इफ़ यू आर सैड तो हम आंखों आंखें वो दिखा देती हैं दैट यू आर सैड और यू आर अनईजी और यू आर एंग्री यू आर स्लीपी वो सब दिखता है सो केयर गिवर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस बिहेवियर को यूज करते हैं और देखते हैं कि चाइल्ड की क्या नीड्स हैं एंड इस तरह कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है कम्युनिकेशन सिखाने की कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है नॉ प्रसिम्बोलिक जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका बिहेवियर भी चेंज होता है ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है इंटेंस ज्यादा डीप या फिर डिटेल्ड हो जाता है अब बच्चा सिर्फ रोएगा या सिर्फ हंसेगा नहीं अब और बहुत सारे एक्सप्रेशन बहुत सारी मूवमेंट्स शो कर सकता है राइट क्राइंग कूंग पुशिंग अवे स्माइलिंग शेकिंग हैड वेविंग ये सब अलग अलग तरह के बिहेवियर्स अब शो हो सकते हैं बच्चे में नाउ एज चाइल्ड ग्रोज कम्युनिकेशन चेंजेस किसी पर्सन एक्टिविटी प्लेस या थिंग के बारे में बच्चा कम्युनिकेट करना चाहता है बताना चाहता है तो ही और शी कैन डू पिक्चर्स का यूज कर सकता है ड्रॉइंग्स का ऑब्जेक्ट्स का पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी अलग अलग जेस्टर्स या फिर साउंड्स इन सब चीजों का यूज वो कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स क्या हैं? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व स्पीच मैनुअल साइंस ब्रेल और प्रिंट

साइंस करते हैं ब्रेल या फिर प्रिंट ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कन्वर्जेशन एक अच्छी कन्वर्जेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है वेन वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से कॉमन होनी चाहिए अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं आप भी मेरी रिस्पेक्ट करो तब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अच्छी कन्वर्जेशन हम उसको बोलेंगे जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यू आर लिसनिंग टू मी यू आर नॉट जस्ट हियरिंग आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो यू आर एक्चुअली लिसनिंग यू कैन फील कि मैं क्या फील कर रही हूं एंड यू रिस्पेक्ट माई इमोशंस एंड आई एम दैट कम्फर्टेबल कि मैं आपसे वो चीज शेयर कर पाऊं मतलब आप मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराओ वो इमोशनल कम्फर्ट वहां पर हो फिजिकल कंफर्ट वहां पे हो हमारा हमारे बच्चे के साथ कि वो इजीली हमारी बात सुने अपनी बात कहे विदाउट फीलिंग कि यार यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है कन्वर्जिंग इन मोशन मतलब कन्वर्जेशन जो है वो मोशन में है चल रही है टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द चाइल्ड बच्चे के इंटरेस्ट का टॉपिक होगा तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है मतलब ये तो अगर हम भी जनरली भी अगर हम कम्युनिकेट करते हैं इफ वी आर कम्युनिकेटिंग या हम बात कर रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक ही नहीं है सो so, आप कितनी देर मेरी बात सुनोगे कितनी देर मेरे से कम्युनिकेट करोगे एक मिनट दो मिनट पाँच मिनट फिर आपको वो चीज़ बोरिंग लगेगी सेम इज द केस विद द चाइल्ड अगर उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है तो वो कम्युनिकेशन आपसे अच्छे से करेगा एक अच्छी कन्वर्जेशन होगी आपके बीच में एंड क्योंकि हमें उसको अभी सिखाना है तो इंटरेस्ट की अगर उसकी चीज होगी तो वो ऑब्वियसली जल्दी सीखेगा और बेहतर सीखेगा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा उसको जो हम सिखाएंगे गुड म्यूचुअल टच टच जो है बहुत लाइट और म्यूचुअल होना चाहिए जिससे ना आपकी ना आपके बच्चे की प्राइवेसी हैम्पर हो और राइट right? नाउ टीचिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन हाउ कैन वी टीच आर चाइल्ड की एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है टीच द चाइल्ड टू फेस द पर्सन ही और शी इज कम्युनिकेटिंग नाउ दीज आर सम थिंग्स जो हमारे बच्चे को पता होना चाहिए हमें हमारे बच्चे को बताना है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपकी बैक उनकी तरफ नहीं होना चाहिए आपका फेस उनकी तरफ होना चाहिए देन टीच द चाइल्ड टू कम्युनिकेट वॉन्ट्स नीड्स एंड ओपिनियंस विदाउट बींग अग्रेसिव और पुशी वी हैव टू टीच आर चाइल्ड कि जब आप अपनी वॉन्ट्स अपनी जरूरतों के बारे में अपने ओपिनियंस आप किसी को बता रहे हो अपनी इच्छाएं आप किसी को बता रहे हो तो आराम से बताओ विदाउट बींग अग्रेसिव और टू पुशी कि नहीं मेरी सुनो मेरी सुनो ये है तो है नहीं आपको उन्हें बताना है कि दिस इज नॉट द राइट वे यू शुड नॉट बी अग्रेसिव अबाउट इट आपको उन्हें क्या सिखाना है कि कैसे हम कामली अपने आप को एक्सप्रेस करें ओके नाउ टीच द चाइल्ड टू बी सेंसिटिव टू द मैसेजेस कम्युनिकेटेड इन टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज वी हैव टू टीच आर चाइल्ड कि जब हम कोई मैसेज देते हैं किसी को भी सो so हमारी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज दोनों ही काफी सटल होनी चाहिए वी शुड नॉट बी वेरी लाउड ओके प्रोवाइड ऑपरचुनिटीज फॉर द चाइल्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट इनवायरमेंट ऑबियसली वी हैव टू लेट आर चाइल्ड टॉक टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशन इन डिफरेंट इनवायरमेंट्स तभी उनकी स्किल्स जो है डेवलप होंगी ऐसी ऑपरचुनिटीज हमें हमारे बच्चे को देनी है ज्यादा से ज्यादा हेल्थ द चाइल्ड एक्सपैंड द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है क्या रोल है वो सारे रोल्स वो सारे फंक्शंस क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन वो सारी चीजें वो करे उन्हें एक्सपीरियंस करे उससे सीखे ओके okay, इस चीज में हमें अपने बच्चे की हेल्प करनी है इस तरीके से हम अपने बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना सिखा सकते हैं नाउ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन किस किस तरीके से कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है ओरल और ओरल मतलब स्पीच और हियरिंग साइन लैंग्वेज हैप्टिक और टैक्टाइल साइन फिंगर स्पेल सिम्बल्स पिक्चर सिम्बल्स कम्युनिकेशन नोटबुक क्यूट स्पीच टोटल कम्युनिकेशन ब्रेल जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज टेडोमा टेडोमा मेथड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कैलेंडर्स विजुअल कम्युनिकेशन ये कुछ और मोड्स हैं हमारे कम्युनिकेशन के देन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन लोग डेफ ब्लाइंड बच्चे को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कौन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा सकता है टीचर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड ठीक है डेफ ब्लाइंड है बच्चा तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस इन्वॉल्व है आपका विजुअल इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व है सो टीचर ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट टीचर ऑफ हियरिंग इम्पेयर इंटरप्रेटर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इंटरवीनर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट एंड डेफ ब्लाइंड स्पेशलिस्ट ये लोग हैं जो हमारे डेफ ब्लाइंड बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ओके सो या दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा कम्युनिकेशन क्या होता है डेफ ब्लाइंड बच्चे क्या होते हैं और किस तरह हम उनको इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं राइट right? सो येस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है एंड आपके किसी भी तरीके से वीडियो काम आती है सो मेक श्योर कि आप मेरे को एक नीचे छोटा सा कोई भी कॉमेंट छोड़ जाओ मे बी अ स्माइली और अ हार्ट जिससे मुझे पता चले कि ओके okay, मेरी मेहनत सफल रही एंड यस वी हैव दी सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई